हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मीज इनोवेशंस। आज मैं आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ मुंबई की प्रसिद्ध पाव भाजी की रेसिपी। इसे मैं बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक से बनाने वाली हूँ, वही स्वाद और वही कलर, बिल्कुल मुंबई स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म पाव भाजी एकदम मुंबई स्टाइल में। पाव भाजी बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ कच्चा आलू लिया है, 1 कप गोभी ली है, इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काटा है, और साथ ही 1 कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर लिया है। पाव भाजी में अच्छा कलर आए उसके लिए हम यूज कर रहे हैं 1/4 कप चुकंदर, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। और अब डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 कप पानी डालकर लिड लगा देंगे। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पर 2 बेसिलाने तक इसे पकने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम करके कढ़ाई रख दिया है। अब डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच बटर और साथ ही डालेंगे इसमें 1 तेज पत्ता। तेज पत्ता से पाव भाजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बटर के मेल्ट होने से पहले ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, ताकि हमारा जो बटर है वो जलेगा नहीं। और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का भून लेंगे। ये देखिए प्याज हल्का भून चुका है। और अब डालेंगे इसमें 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को तड़के में डालने से उसका कलर और फ्लेवर बना रहता है। और 1/2 कप मटर का डालेंगे। 30 से 40 सेकंड के लिए इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट एकदम मुंबई स्टाइल में, और 1/2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। ये हमारी पाव भाजी को चटपटा और थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए है। और अब हम डालेंगे इसमें ड्राई मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से पाव भाजी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। साथ ही डालेंगे हम 1/2 चम्मच नमक। ध्यान रहे नमक हम सब्जियों में पहले ही डाल चुके हैं। और इन सभी को करेंगे मिक्स। साथ में सब्जी और मसालों को पकाने के लिए हम डालेंगे इसमें 1/2 कप पानी और 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक कुकर को चेक कर लेते हैं, 2 विसिल हो चुकी है। ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, सब्जी पक चुकी है। ये देखिए सब्जी अच्छे से मैश हो चुकी है। 5 मिनट हो चुके हैं, गैस की तरफ चलते हैं। ये देखिए सब्जी पक चुकी है। तेज पत्ता को बाहर निकाल देंगे और मैशर से सब्जियों को मैश कर लेंगे। ये देखिए सब्जी अच्छे से मैश हो चुकी है। और अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच नींबू का रस, और इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें उबली हुई सब्जियां, सभी को अच्छे से मिलाएंगे और एक बार फिर से मैशर से दबाकर अच्छे से सब्जी को मैश कर लेंगे, ताकि कोई सब्जी का टुकड़ा रह गया हो तो मैश हो जाए। सब्जी अच्छे से मैश हो चुकी है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। अब इसमें 2 चम्मच बटर डालेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया। ये लीजिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। सब्जी को गैस से नीचे उतारेंगे और अब तैयार करेंगे हम पाव। 2 पाव लेकर बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से गैस पर रखेंगे तवा, उसमें डालेंगे बटर, 1 चम्मच पाव भाजी, थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। अब करेंगे सभी को मिक्स। पाव को मसाले के ऊपर रखकर दोनों तरफ से घुमा लेंगे, ताकि पाव में मसाला अच्छे से लग जाए। पाव को ज्यादा नहीं सेकना है। ये देखिए पाव सेककर तैयार हो चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम गर्मा गर्म इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारी पाव भाजी का कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा बटर। ये लीजिए फ्रेंड्स पाव भाजी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप सभी को रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को ट्राई जरूर करें और गर्मा गर्म खाकर ठंडे मौसम में एंजॉय करें। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।